ये जो है अंग्रेज अधिकारी जाट नेताओं से मुखातिब होते हुए सामने जो है वो अंग्रेज अधिकारी है, और ये जो है महाराजा जाट काफ़ी चौड़ी नहर टाइप है, ये इसमें जो है सिक्योरिटी के पर्पज से ही बनाई गई है। तो अभी जो है मतलब एक बार फिर हम दोहराते हैं कि ये जो भरतपुर के जो महाराजा सूरजमल थे, इनका जो एकमात्र अजय दुर्ग ये भरतपुर का किला, ये किसी से जो जीता नहीं गया, ये इसका रिकॉर्ड रहा है, और एकमात्र भारत के ऐसे जो राजा थे जिसे कोई जीत नहीं पाया। हेलो दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं भरतपुर, जो महाराजा सूरजमल का जो किला है उस पर हम पहुंच चुके हैं, जिसे लोहागढ़ का किला भी बोलते हैं, और भरतपुर फोर्ट भी है। जो महाराजा सूरजमल थे, जो अजय दुर्ग के नाम से है उनका ये किला जो पीछे आप देख रहे हैं, और ये इसके बराबर में जो 250 फीट चौड़ी, जो ये 250 फीट चौड़ाई है इसकी जो खाई है, जो इसमें पानी भरा रहता है, ताकि जो कोई दुश्मन मतलब इसके चारों तरफ है, ताकि इसके अंदर कोई एंट्री ना ले सके दुश्मन, और अगर आता भी है तो ऊपर जो इसके ऊपर जो मतलब वो बनी हुई है सीकचे नुमा, उसमें से जो बैठे रहते थे जो सिपाही बंदूक के लिए, वो उसे वहीं पर मार गिराते थे। तो ये जो 250 फीट है, इसे सुजान गंगा बोलते हैं, और ये जो दक्षिणी गेट है जो आप सामने देख रहे हैं इधर, और हम जो किले के अंदर भी चलेंगे, अंदर जो है ज़्यादातर किले का जो हिस्सा है वो सरकारी जो ऑफिस वगैरह इस तरह के और मतलब कामों में इस्तेमाल हो रहा है। किले के अंदर जो रहन सहन भी काफ़ी हिस्से में है ज़्यादातर जो मतलब इस्तेमाल में आ रहा है। तो अभी हम अंदर की तरफ भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे। जो ये दरवाज़ा है, हम यहाँ तो पहुँच चुके हैं, तो ये जो इसमें इस तरह के ये हैं, सभी लोग जो यहाँ से निकलते हैं सुबह ही सुबह का समय है, तो इन पर हाथ लगा के अपने जो शुभ माना जाता है इसे, जो ये भी सब हाथ के निशान इस पर बने हुए हैं जो मतलब चिकने हो गए हैं, और कितनी विशाल जो दरवाज़ा है इसकी मजबूती अपने आप में अनूठी है। ये इसकी जो खिड़की रही होगी, जब ये बंद हो जाता होगा तो इसे धकेल के खोलने खिड़की है अंदर को मतलब इस तरह से, और सुबह सुबह का समय है तो काफ़ी व्यस्त है ये रोड, व्यस्त रहता है दिन में और ज़्यादा शायद व्यस्त हो जाए। तो पीछे का हिस्सा जो इसका लकड़ी का है, और उसके ऊपर लोहा जो है लोहे की परत है बहुत मोटी वाली, और ये इसलिए लगाए गए थे सूल के, इस पर कोई जो हाथी वगैरह या कोई इससे टक्कर मारे या कोई इससे ढकेलने का प्रयास करे तो उसके चुभे इस तरह से। यहाँ पर जो ये चौक है, हम यहाँ आ चुके हैं, पीछे संग्रहालय है जो अभी बंद है, लगभग 12 बजे जो संग्रहालय खुलता है यहाँ का, और ये सामने महाराजा सवाई जवाहर सिंह बुर्जा ऊपर के लिए रास्ता गया यहाँ से, जो ये देख रहे हैं छोटी छोटी ईंटों का रास्ता है यहाँ से ऊपर जो चढ़ाई है, यहाँ से ऊपर चलेंगे हम और जो जवाहर बुर्ज है वहाँ पर चलते हैं। तो अभी जो हम आ चुके हैं जवाहर बुर्ज जो आप पीछे देख रहे हैं, और ये वो स्थान है जहाँ पर जो राजा महाराजा यहाँ के जो हुए हैं उनका राज्य अभिषेक होता था, और ये जो एकमात्र भारत का ऐसा किला है, जो ये किला है भरतपुर का, जो जाट राजाओं का किला है, महाराजा सूरजमल का किला है, कि इसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। ये अजय दुर्ग है, बिल्कुल अभेद है ये, जो मतलब ऐसा कहना चाहिए कि आज तक इसे कोई नहीं जीत पाया। अजयगढ़ के किले के नाम से भी इसे जाना जाता है, और उसके चारों तरफ जो मिट्टी की एक मोटी बहुत मतलब दीवारें हैं, जो किसी की जो गोले वगैरह दागे जाते थे, कोई आक्रमण करता था तो उसमें निष्क्रिय हो जाते थे, और एक जो काफ़ी चौड़ी दीवार है मतलब उसकी, और उसके बाहर की साइड में एक जो पानी की नहर है जो लगभग 250 फीट के आसपास है, उसमें पानी भरा हुआ। तो यानी कि अजय बिल्कुल अजय है, इसे कोई जीत नहीं पाया है, और इसकी जो बहुत सुंदर बनावट है, आगे जो गेट यहाँ पर लग रहा हम देखते हैं, अगर गेट खुला होगा तो अंदर की तरफ चलेंगे और ऊपर का नज़ारा भी आपको दिखाएँगे। तो मतलब अभी जो हम बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं, जो जवाहर बुर्ज है यहाँ पे आ चुके हैं, पीछे का आप देख रहे हैं बिल्कुल सिटी यहाँ से क्लियर दिखाई पड़ रहा, और चारों तरफ यहाँ पेड़ जो हैं घिरे पड़े हैं, और यहाँ जो है चार बारह दरी हैं जो चारों कोनों पर हैं, जिसमें एक ही पीछे है इधर,
और एक आप उधर देख रहे हैं, और एक जो ये बीच का हिस्सा है इसके उधर की साइड पे है, और एक ये सामने है, यानी चार कोनों पर चार बारादरी हैं। और इनमें जो है कंडीशन इनकी इतनी ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। पीछे वाली उधर है, वो वहाँ पे है, देखो आप देख रहे हैं उधर जो सामने है, वो कुछ बंदर वगैरह यहाँ पे बैठे हुए। तो ये जो जवाहर बुर्ज है, इसकी भी एक जो इसका नाम जवाहर बुर्ज इसलिए पड़ा है क्योंकि जो महाराजा सूरजमल थे, थोड़ी धूप पड़ रही है उधर से, इधर इसका नाम इसलिए पड़ा है जवाहर बुर्ज क्योंकि जो महाराजा सूरजमल थे उनकी जो मृत्यु थी वो सामान्य मृत्यु नहीं थी। तो जो उनके बाद जो राजा थे वो जवाहर सिंह बने, उनके पुत्र। तो वो जवाहर सिंह जो हैं, मतलब उस समय तक पूर्ण रूप से सत्ता उनके उसमें नहीं थी, तो वो जो है यहाँ पे इस जवाहर बुर्ज पे यहाँ पे जो है आने के बाद दिल्ली पे जो चढ़ाई की योजना बनाते थे, दिल्ली को किस तरह से कब्जे में लेना है, तो वो यहाँ पे बैठ के जो है अपना प्लान क्लियर करते। तो इसीलिए इसका नाम जो है जवाहर बुर्ज है। तो थोड़ा इधर से देख लेते हैं, कुर्सी यहाँ पर वैसे सीट वगैरह बनी हुई है चारों तरफ, और चारों तरफ का नज़ारा बहुत शानदार है। इधर का जो है ये सामने वो शायद वो वाला संग्रहालय है जो वो ऊपर दिख रहा गोल गोल गुम्बद से है वो सामने वो, और इधर का भी नज़ारा बहुत शानदार। चारों तरफ की जो ये नाली है ना, वो जिसे बोलते हैं नहर, नहर बोलना चाहिए इसका नाम तो कुछ और है, कौन सी गंगा बोलते हैं इसे, सुजान गंगा बोलते हैं सर। ये जो देखो पीछे इसमें काफ़ी क्लियर जल है, बढ़िया जल है, यहाँ पर सामने दिखाई पड़ रहा पानी जो बढ़िया है, मतलब जल नहीं पानी कहना चाहिए, काफ़ी चौड़ी नहर टाइप है ये, इसमें जो है सिक्योरिटी के पर्पज़ से ही बनाई गई है। तो एक ये चबूतरा है, इसे भी बारादरी बोलते हैं। इसके ऊपर जो लोहे स्तंभ है, यहाँ पर हम चल रहे हैं अभी, थोड़ी सी सीढ़ी है, इसे जो है के चारों तरफ से जो ये दिया गया ताकि इसे कोई छेड़छाड़ न कर सके। तो ये जो स्तंभ है इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल जो यहाँ की जो वंशावली है, जो महाराजा सूरजमल है उनकी वंशावली इस पर लिखी हुई है, शुरू से लेकर अब तक की, काफ़ी नाम है इसमें, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है ये, मतलब टोटल पीढ़ी दर पीढ़ी है, समरपाल सिंह, उदयपाल, रतनपाल, बहुत सारे इसमें जो सारे के सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो उनकी अभी तक की वंशावली इस पर है जो आप देख रहे हैं इस स्तंभ पर, और ये सुरक्षित है शायद इसमें, ये पता नहीं ऊपर वाले लास्ट वाले हैं नीचे वाले हैं, टोटल यहाँ पर जो उनकी वंशावली दी हुई है इस लोह स्तंभ पर। और यहाँ पर अपना जो इधर, तो यहाँ ये सामने जो है ये उत्तरी गेट है, ये इधर जहाँ पर राष्ट्रध्वज फहरा रहा है ये उत्तरी गेट है, और उधर जो दक्षिणी गेट है उधर से दक्षिणी गेट की तरफ से आए थे अभी हम। और यहाँ के किले के अंदर भी मोर जो घूम रहे हैं, इतना अच्छा वातावरण है, हालांकि यहाँ पर जो काफ़ी आबादी रह रही है। अगर उधर किशोरी महल वगैरह खुला होगा तो अभी हम उधर चलेंगे, और बाकी जो नज़ारा बहुत सुंदर है, और भरतपुर की शान कहा जाने वाला लोहागढ़ किला आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ वृक्ष वगैरह यहाँ पर ऊपर भी हैं, ये बीच का पोर्शन ये बना हुआ है, इसमें अगर रास्ता होगा तो यहाँ पे भी चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं किशोरी महल, जो पीछे आप देख रहे हैं ये किशोरी महल है, और जो महाराजा सूरजमल थे उनका स्मारक के रूप में ये है, और यहाँ पे जो उनकी जितनी भी हिस्ट्री थी महाराजा सूरजमल की वो सारी यहाँ पे जो लिखी हुई है, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या निर्माण कराए, जो भी मतलब बहुत उन्होंने जो भी कार्य किए वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई है। ये जो शिलालेख यहाँ पर लगे हुए हैं वो सारे जो उनके कार्य थे वो सब यहाँ पर दर्शाते हैं। ये देखो यहाँ पर कुछ मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, शाह आलम का पत्र है ये, इसके कुछ लिख रहा है ये अहमद शाह अब्दाली का हमला, और ये धनी मल सूरजमल, और इधर जो ये पीछे यहाँ से वहाँ तक सारी की सारी ये लिखी हुई हैं, और यहाँ पर लाइटें वगैरह लगी हुई रात के लिए। तो अंदर की तरफ को चलेंगे अभी हम,
तो ये मुख्य द्वार जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ, बहुत ही सुंदर नज़ारा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पेंटिंग वगैरह बनी हुई है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। ऊपर का पत्थर भी जो काफ़ी नक्काशी बहुत सुंदर है, यानी कि और इसकी देख रेख भी काफ़ी अच्छे से हो रही है। तो ये जो गेट है ये काफ़ी मजबूत है, इसमें जो ये देखें नुकीली कीलें यहाँ पे भी लगी हुई हैं, पुराना ऐतिहासिक है बहुत, इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है। देखते हैं खुलेगा का खुलेगा भी, इधर देखो अपने आप में जो इसकी जंजीरें वगैरह कितनी विशाल है, एक अनूठा नज़ारा है। इसे यहीं पर कर देते हैं हम, किसी चीज़ को मतलब छूने का कोई मकसद नहीं है। वो अंदर का जो गलियारा है यहाँ पर हम आ चुके हैं, शानदार नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा, अद्भुत है। यहाँ पे जो नीम का पेड़ और उसमें कुछ पक्षियों के लिए पानी वगैरह भी रखा गया, और ये जो इधर पूरी की पूरी यहाँ पे जो कुछ तस्वीरों के माध्यम से सारी उनकी वो दिखाई हुई है, जो अंदर जाने की तो एंट्री है नहीं। तो यहाँ पे जो आप देखें सामने, अगर आपको दिख रहा हो तो उनकी जो है वो महाराजा रणजीत सिंह है उधर, वहाँ पर सामने उनकी जो मूर्ति है, और यहाँ पर दिख रहा है युद्ध का दृश्य सामने, और ये मुग़ल हमले का दृश्य है जो ये इधर है। तो यहाँ पे सारे का सारा लिखा हुआ, ये अन्य योद्धा का हुआ है। हाँ, जो इसमें ताला लगा हुआ और ये शीशे की गैलरी नुमा है सारी, जो महाराजा यहाँ देखें आप, ये जो है महारानी किशोरी जी की मूर्ति है जो बनी हुई है, बहुत सुंदर है। इधर को थोड़ा अगर हो सके तो दिखा दो, ये महारानी किशोरी जी जो है उनकी ये मूर्ति यहाँ पर बहुत ही सुंदर लगी हुई है। और जो अंदर का इतना स्पष्ट नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत ही शानदार जगह है, बहुत अच्छे तरीके से इसे संभाला गया है। ऊपर तक कुछ थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त भी हो गया है, ये ऊपर यहाँ पर कार्यालय वगैरह है। और एक ये गेट नुमा अंदर के लिए है, पता नहीं इसमें ऊपर जाने का तो सारे का सारा रास्ता भी बंद है, ये भी यहाँ पर गेट पर ताला लग रहा है, ये देख रहे हैं आप। तीन मंजिला है, एक दो तीन मंजिला है ऊपर के लिए, इसमें जो सारा सिटी ऊपर से बहुत क्लियर दिखाई पड़ता होगा, लेकिन ये भी बंद है। पक्षी वगैरह यहाँ पे घूम रहे हैं कुछ, इधर और शीशे की जो ये बनी हुई है, इसमें जो पिक्चर गैलरी टाइप है ये बनी हुई यहाँ पे सामने, इसके अंदर जो बाहर से दिख रहा जो भी कुछ है कुछ स्पष्ट नहीं है। अंदर अगर खुला हुआ होता तो इसके अंदर जाकर कुछ और ही आनंद आता, जो शायद देर में खुलेगा 12 बजे के आसपास। ये लिख रहा अश्वारूढ़ जवाहर सिंह मुगलों से युद्ध करते हुए, सामने जो ये जवाहर सिंह को दिखाया गया, मूछें जो है सतर जा रही हैं ऊपर को, देखो यहाँ पे बहुत ही सुंदर। कुछ इधर जो यहाँ पे ये जो है अंग्रेज अधिकारी जाट नेताओं से मुखातिब होते हुए, सामने जो है वो अंग्रेज अधिकारी हैं, और ये जो है महाराजा जवाहर सिंह का सरदाह संस्कार का जो सामने दिखाया गया ये जो है यहाँ पे। तो ये जो है किशोरी महल के नाम से है, और ये जो महाराजा जवाहर सिंह का स्मारक है ये, इसमें सारी उनकी जो टोटल जीवनी जो संरक्षित है पिक्चर यानी कि इमेज के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से यहाँ पर बनी हुई है। और ये जो कुछ यहाँ पे एकमात्र पेड़ है जो नीम का पेड़ यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसमें पानी है पक्षियों के लिए पानी रखा हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। किशोरी महल भरतपुर, आप इसे पढ़ लेना, मध्ययुगीन स्थापित कला की विशेषताओं से युक्त महल महाराजा सूरजमल के द्वारा अपने परिवार के निवास हेतु 18वीं शताब्दी के पूर्वांत में बनवाया गया था। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सारा, ऊपर की छत भी अच्छी स्थिति में है, थोड़े साइडों वाइडों से जो कुछ छुट रहा है, ये जो गेट है एंट्री बिल्कुल सामने महाराजा सूरजमल की जो स्टैचू कहते हैं मूर्ति कहते हैं क्या, वो लगी हुई है, वहाँ भी चलेंगे, आ जाओ। तो किशोरी महल के ठीक सामने जो अभी हम यहाँ आ पहुँचे हैं, और यहाँ पे जो महाराजा सूरजमल की एक बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे, और पीछे महादेव का मंदिर भी यहाँ पे है। और ये जो आसपास का ये पत्थर लगे हुए हैं सारे के सारे यहाँ पे जो महाराजा सूरजमल की पूरी जीवन गाथा यहाँ पर लिखी हुई है, उन्होंने कितने युद्ध जीते, किसे हराया, कहाँ किला बनाया, सारी की सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। और महाराजा सूरजमल जो थे काफ़ी जो है मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, उन्होंने जो बहुत मतलब मंदिर भी बनवाए और बहुत ही सारे जो धार्मिक काम भी किए हैं। और ये जो मूर्ति है अपने आप में एक दुर्लभ है, और यहाँ पे जब आप आते हैं तो पीछे रोड है, रोड पर से ये जो मूर्ति है दूर से ही दिखाई पड़ती है,
और अभी जैसे कि 15 अगस्त बीता तो यहाँ पे भी प्रोग्राम जो मनाया गया है, राष्ट्र ध्वज वगैरह फहराया गया होगा जरूर, ये माल्यार्पण वगैरह यहाँ पे होया हुआ है, पीछे आप सजावट देख रहे हैं, तो अपने आप में एक अनूठा है। और ये जो भरतपुर की शान है, जो महाराजा सूरजमल थे वो भी भरतपुर की शान थे, और ये भी जो है भरतपुर की क्या पूरे जाटों की शान है। तो अभी जो है मतलब एक बार फिर हम दोहराते हैं कि ये जो भरतपुर के जो महाराजा सूरजमल थे, इनका जो एकमात्र अजय दुर्ग ये भरतपुर का किला, ये किसी से जो जीता नहीं गया, ये इसका रिकॉर्ड रहा है, और एकमात्र भारत के ऐसे जो राजा थे जिसे कोई जीत नहीं पाया। और इसी के साथ हम जो वीडियो को विराम देंगे, और काफ़ी धूप पड़ रही है सामने से, सुबह का समय है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं। और अगर यहाँ पे कहीं आसपास आते हैं तो एक बार ज़रूर भरतपुर आएं, और जो महाराजा सूरजमल की जो किला है लोहागढ़ का किला, इसे भी ज़रूर देख कर जाएं। जय हिंद।